भाई ये तो दौलत वालों की चीज़ है, मेरे बस की नहीं है। हमारे लिए खुशकिस्मती है कि यहाँ दौलत की चाट जो बहुत ज़्यादा सुनते थे तो यहाँ पे खाने का मौका मिल रहा है। और तो दौलत की चाट किस लिए है? दौलत इसको इसलिए बोलते हैं कि राजा महाराजा जैसे खाते थे दौलत वाले लोग, मतलब अच्छा। हम जैसे लोगों ने इसका नाम रख दिया दौलत की चाट। अच्छा, चाट पैसे वाले इसको खा सकते हैं, गरीब नहीं खाएंगे? नहीं, गरीब क्यों नहीं खाएंगे, सब खाएंगे। तो भैया हम लोग अभी चांदनी चौक पराठे वाली गली में हैं, और जैसा कि हमने बताया था कि पराठे खाने के बाद हम लोग यहाँ पे दौलत की चाट क्यों मशहूर है, क्या होती है दौलत की चाट, सब कुछ जानेंगे। तो भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम आदेश है, पूरा नाम हमारा खेमचंद आदेश कुमार। खेमचंद आदेश कुमार। कब से लगा रहे हैं यहाँ? मुझे 12 साल हो गए ये काम करते हुए, पापा को 40 साल हो गए। अच्छा, आपके फादर जो है यहाँ पे लगाते थे? किनारी बाजार में। अच्छा, किनारी बाजार यही हुआ ना पास में। फिर पराठे वाली गली में आप लगा रहे हो कितने साल से? 12 साल से लगा रहे हो। अच्छा, ये दौलत की चाट होती क्या है, ये क्या चीज़ का बना होता है? दूध से बना होता है। दूध से बना, मक्खन बनता है, देसी मक्खन, वाइट बटर, सेम उसी तरीके से दूध को फेंकते हैं, फेंटते हैं, 7 से 8 घंटे इसको लगता है बनाने में। ओके, फेंटते रहेंगे जो झाग आ जाता है ऊपर, उस झाग को निकालते हैं। झाग को निकालते हैं, इसमें वही डाला है? हाँ, बस दूध का झाग है, थोड़ा सा झाग को अलग से लिया, उसमें केसर बटर डाला। अच्छा, वो डेकोरेशन के लिए केसर वाला साइड में रखते हैं ऊपर, और पिस्ता और खुरचन रख डाल देते हैं। अच्छा अच्छा, सुबह बाजार में आ जाते हैं 10 बजे के करीब। 10 बजे आ जाते हैं, रात में 9 बजे जाते हैं। 9 बजे ख़त्म करते हैं। बहुत कड़क ड्यूटी है, खड़े रहते होंगे यहाँ पे ना? ये सर्दी में मिलता है 4 महीने। अच्छा, लास्ट है तो गर्मियों में फिर अभी नहीं मिलने वाला है? आज ही लास्ट है, बस आज लास्ट है। तो चलिए, हमारे लिए खुशकिस्मती है कि यहाँ दौलत की चाट जो बहुत ज़्यादा सुनते थे तो यहाँ पे खाने का मौका मिल रहा है। और इसके ऊपर क्या क्या दे रखा है अभी? ये खुरचन है, इसके ऊपर डाला खुरचन होता क्या है? दूध का होता है, बना हुआ दूध का होता है, ऊपर से निकाला हुआ क्रीम की मलाई की लेयर होती है, वही है, वो चीज़ को घिस देते हैं इसके ऊपर। खुरचन होता है, और क्या होता है? पिस्ता है इसके ऊपर, पिस्ता होता है, और बस यही दो चीज़ उसके ऊपर, खुरचन और पिस्ता। ये येलो क्या है? सेम चीज़ है, दूध का झाग है। दूध का झाग ये पीला हो जाता है कैसे? पीला केसर से करते हैं, केसर से करते हैं। ओके, और ये फिर क्या मिलाते हैं उसमें? ये खोया मावा हो गया, ये खुरचन, ये शुगर पाउडर हो गया, चीनी मीठा करने के लिए। बहुत लाइट वेट होता है क्या? बहुत हल्का होता है। रेट क्या रखा है आपने? 50 का 1 पत्ता है। 50 का 1 पत्ता होता है। जिसको ज़्यादा चाहिए तो फिर बड़े बड़े साइज के डब्बे हमारे पास, 100 रुपये का है, 250 का है, 500 का, हर तरह के साइज है। ओके, हर तरह का है, 50 से शुरुआत है, हाईएस्ट 200 तक जाता है, फिर 1000 तक जाता है, 1000 तक भी जाता है। तो दौलत की चाट किस लिए है? दौलत इसको इसलिए बोलते हैं कि राजा महाराजा जैसे खाते थे दौलत वाले लोग, मतलब अच्छा। हम जैसे लोगों ने इसका नाम रख दिया दौलत की चाट। अच्छा, चाट पैसे वाले इसको खा सकते हैं, गरीब नहीं खाएंगे? नहीं, गरीब क्यों नहीं खाएंगे, सब खाएंगे। हम एक जैसे मैं बोल दूँ भाई ये तो दौलत वालों की चीज़ है, मेरे बस की नहीं है, तो इसका नाम कहलाने लगा नाम की दौलत की चाट है ना। और चाट इसलिए बोलते हैं इसको चाट की तरह खाया जाता है। अच्छा, चम्मच से? उससे नहीं, चम्मच से नहीं खाते थे पहले टाइम पे, उंगलियों से, हाथों से। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। और मसालों की तरह इसमें चीजें पड़ती हैं, इसलिए चलिए एक बनाइए, इसमें हमारे लिए भी एक प्लेट लगाया जाए, देखिए क्या क्या चीजें इसमें है। ये झाग होता है पूरा ना, दूध का? किससे आप लोग? रॉयल राइडर चैनल है हमारा, बना रहा हूँ। खत्म हो गया बेटा, नहीं आ रहा कि आपको रिकॉर्ड कर रहे हो। चलो, ये होता है इतना सा 50 का जी, इसलिए इसका नाम दौलत की चाट है। ओहो, वाह। तो ये देखिए भैया, ये दौलत की चाट हमारे हाथों में आ गई है, 50 रुपये कीमत है। और देखिए साइज बहुत ही छोटा, बहुत ही लाइट वेट है, और खाने के बाद ही पता चलेगा कि आखिर इसकी टेस्ट क्या चीज़ है। और मेहनत बहुत लगती है इसको बनाने में, भैया बता रहे हैं 7 से 8 घंटे लग जाते हैं इसको बनाने में। तो अभी हम लोग इसको ट्राई करने वाले हैं कैसा है। देखिए अंकल जी हैं, उनके हाथ में भी यहाँ दो ले रखा है दौलत की चाट, और लगता है कि बच्चों के लिए ले जा रहे हैं। मैं पिछले 20-25 साल से खा रहा हूँ। अच्छा, बहुत हल्की रहती है, खाने में भी अच्छी रहती है, मैं कई बार घर पे मुँह आ चुका हूँ। वैसे ये चीज़ फेमस कानपुर लखनऊ में ज़्यादा फेमस है, ये चीज़ जो है ये दिल्ली में भी आ गई, दिल्ली में भी आ गई है, लेकिन कानपुर लखनऊ की ज़्यादा बढ़िया होती है, बढ़िया होती है। हाँ, दिल्ली में सब सस्ती भी है, यहाँ महंगी है, और क्वालिटी में भी बहुत फर्क है। जो क्वालिटी
कानपुर की ये चीज है, इसको मक्खन बोलते हैं वहाँ पे उसको। अच्छा, मक्खन मक्खन बोलते हैं वहाँ पे इसको जो है ये। मक्खन का एक अलग ही जवाब है वहाँ, घड़े में भी देते हैं ये लोग वहाँ पे ये चीज़ जो है ये। और यहाँ पे उन्होंने ये शुरू किया, लेकिन इसकी बेसिकली स्टार्टिंग जो है वो कानपुर लखनऊ से है इसका। वहीं से ओरिजिन वही है, वहीं पे ओरिजिन वही है। चलिए तो अंकल जी दोनों हाथ में ले चुके हैं, थैंक यू वेरी मच। चलिए ठीक है, ओके, हम लोग इसको ट्राई करते हैं, देखते हैं कि कैसा है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि कैसा इसका टेस्ट है। तो ये ऊपर केसर वाला मलाई है, येलो येलो कलर है इसका, इसको ट्राई करके देख रहे हैं पहले। बहुत ही हल्का है, जो झाग बोलते हैं ना दूध का, वो चीज़ है इसमें। बहुत ही लाइट है, आपको लगेगा ही नहीं, मुंह में जाते ही घुल जा रहा है। इसीलिए इसको दौलत की चाट कहते हैं, कोई वेट नहीं है, बहुत ही हल्का है, दूध का जो झाग होता है वही है, मुंह में जाते ही घुल जाएगा। और मज़ेदार तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये होती है भैया दौलत की चाट, और अमीर लोग इसको खाते हैं, और गरीब भी खा सकते हैं, बशर्ते 50 रुपये पॉकेट में होना चाहिए छोटा सा ये कप लेने के लिए। तो ये है भैया दौलत की चाट, आइए और खाइए पराठे वाली गली में। और यही है, झाग से बनता है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए अलविदा। और अपने भाई को इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे फॉलो कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, स्क्रीन पे भी आपको दिखाई दे रहा है, फटाफट फॉलो करिए।